जितनी दफा देख तुम्हें झड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, कौन आप? कौन आपकी कॉल आई थी? मेरी कॉल नहीं गई थी, अभी आपकी कॉल आई है। जिसका कॉल गया था वो अभी नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अगर कहाँ से बोल रहे आप? मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं कोलकाता से फोन कर रहा हूँ। नाम क्या आपका? नाम बताइए। अरमान। अरमान भाई हेलो। हाँ आप किसी को फोन करके बोले थे कि आप आलिम नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, हैं? आप किसी को फोन करके आप बोले हो कि आप आलिम नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। किसको? आप किसी को फोन किए हैं? नहीं नहीं। हेलो। हाँ बोलो ना भाई। आप किसी को फोन करके नहीं बोले हैं? अरे किसको? नाम बताओ ना, साफ साफ बताओ ना, किसको फोन किया, नाम बताओ पूरा। आप खरदा जामा मस्जिद का इमाम को फोन करके आप बोले थे कि नहीं? अच्छा क्या नाम है वहाँ के इमाम का? मुफ्ती केसर रजा। अच्छा वो? हाँ हाँ उससे तो बात की थी, बेचारा भाग गया उल्टा सीधा बोल के। हेलो भैया, वो मस्जिद में अहले हदीसों को उल्टा सीधा बोलता है, जहन्नमी बोलता है, काफिर बोलता है, कितना बोलता है। जब मैंने उससे बात करने के लिए फोन किया, इतनी इज्जत से बात की, और वो है कि मतलब भाई उल्टा सीधा बोलने लगा, गुंडे ही करने लगा। मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता, मुफ्ती है ये तो गुंडे हैं, गुंडे। अच्छा ठीक है, इनसे कह दीजिए गुंडे ही करना है तो मेरे भाई बाहर आके करें, जो अल्लाह का जो घर है मस्जिद उसमें ना करें गुंडे। ठीक है, उनसे बड़े बड़े गुंडे पड़े हुए हैं, तो दीन के नाम से, दीन के नाम से गुंडागर्दी भाई एकदम बंद कर दें। आप मेरा बात सुनिएगा। हाँ सुनाइए ना प्यारे भाई, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बताइए। जब आप वो अच्छे ही हैं, खराब है, अलहमदुलिल्लाह जो भी है, ठीक है ना। और सुनिए, जो भी नहीं बेकार है, गुंडा है वो, और आगे बोलिए। ठीक है ठीक है, तो आपको नंबर दिया कौन है? आपको नंबर दिया कौन है? अरे मस्जिद वालों ने दिया है, इन्होंने जिस मस्जिद वालों के सामने अहले हदीसों के ऊपर भाई वो लाल तान किए और झूठा बोतान बांधा है, उन्होंने इनकी बात को सुना, उन्होंने हमको नंबर दिया। तो मैंने कहा भाई अगर अहले हदीसों का कोई अकीदा मेरे भाई बातिल है तो आप उसकी इसलाह कीजिए ना, लेकिन ये लाल तान करना, लोगों को भड़काना, उसकाना, तो ये सब कहाँ का नियम है? दिया कौन है आपको नंबर? दिया कौन है? अरे हम क्यों बताए? नहीं हम क्यों बताए? अरे भाई तो आप तो यूपी में रहते हो। हाँ तो आपको तो कोई यूपी वाला तो दिया नहीं होगा, डेफिनेटली खरदे वाला नहीं दिया होगा। हाँ कलकत्ता वालों ने दिया है, वहाँ के जो इनके लोग हैं जिनके सामने ये मतलब गुंडागर्दी करते हैं, उन्होंने नंबर दिया है जो अहले हदीस है। अरे किसने दिया किसने नहीं दिया उससे छोड़ो, मेरी बात कराओ ना मुफ्ती से, वो कौन मुफ्ती है, कहाँ का मुफ्ती है? अरे तो भाई आप इतना ताकतवर इंसान है तो आप आ जाओ कलकत्ता में। अरे हमारा नाम काफी अल्हम्दुलिल्लाह, कलकत्ता हमें थोड़ी ना आना है, फोन पे एक बार मेरे भाई लोगों को एक बार बात कर लेते हैं, उसकी हालत टाइट हो जाती है। तो आप एक खाली कलकत्ता आ जाओ। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, उनसे बता दीजिएगा कलकत्ता में गुंडागर्दी करना छोड़ दें। मस्जिद के इमाम है, जाके नमाज पढ़ाए और बैठ के नमाज पढ़ाए जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ के हदीस से, बाप का नाम भाई किताबुल अजान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमारे तुम मुमिनू सल्लू, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है। समझाइए हम जाहिल इंसान है, आप हमको हदीस में समझाइए। आप आके कलकत्ता में आते हमको रास्ता कीजिए भाई। मैं क्या नहीं, क्या मैं वो जो अल्लामा साहब हैं मुफ्ती, क्या नाम है, कैसर रजा साहब भाई, मैं उनके अब्बा जान का नौकर तो हूँ नहीं, उनसे बोलिए इलाहाबाद आ जाए। यानी आपको जो आपको नंबर दे सकता है
तो आपको बुला नहीं सकता। अरे नंबर तो मिल जाता है आसानी से ना, नंबर तो आपको भी हमारा मिल गया ना। गरीब हो तो चलो हम पैसा भेजा दे रहे, आपको अकाउंट नंबर बताइए। अरे जितना पैसा हमको भेज रहे हो उतने पैसे में खुद आ जाओ ना, आमने सामने बैठ के बात कर लो। आओ यार आके मुनाजरा कर लो। मुनाजरा मैं नहीं करता, ये लोग की औकात है मुजरा करने वाले, ये लोग दो कौड़ी के, इनसे मुनाजरा करूंगा तो मैं चिनार का बेटा है। इनसे कह तुम मुजरा करें, मुजरा ये सब गुंडे ही करते हैं इनके नाम से। खुद तेजी तो खुद चला, ये नहीं सोचता है कि उम्मत के हाल क्या है, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। बस 24 घंटा बस वो गैर मुकल्लिद। अबे गैर मुकल्लिद ने क्या उसका छीन लिया है भाई, क्या उसका छीन लिया, कौन सी दौलत उसकी खा लिया। गरीब, अरे हम लोग कहते हैं अल्लाह को मानो, अल्लाह के नबी को मानो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो कौन सा जुल्म कर दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया भैया। अरे भाई अल्लाह ने हमको बहुत दौलत दिया है, ठीक है आप आ जाओ तो हम तुमको। अरे दौलत दिया है तो जाके मेरे भाई, जाके अल्लाह के राम में मेरे भाई खर्चा करो ना, मेरे को क्यों दे रहे हो दौलत। तुम आना यार, अब फोन पे जितना तुम महीने में कमाते हो उतना मेरा एक दिन का अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा है। तुम मेरे भाई ये दौलत का हो, ये दौलत का हो हमको ना देना, ये पैसों के लालची हो गए तुम लोग, दीन के पैसों के लिए तुम लोग इस्तेमाल करते हो। सऊदी का रियाल तेल गिर रहा है, सऊदी का रियाल। लो मेरा भाई बिना मोहरम आतंक शुरू कर दिया। अच्छा भाई कोई इल्मी बात करनी है या खाली मातम करना है औरतों की तरह। सऊदी का रियाल तो तेल गिर रहा है भाई। भैया आपको कोई इल्मी बात करना है या मातम करना है। अरे भाई मातम हम नहीं करते, हम लोग किया नहीं है। नहीं तो तुम्हारी जल क्यों हो, तुम्हारे भाई तुम्हारे मुफ्ती साहब को कोई हमने गाली दे दी है भाई, हमने कोई बदतमीजी की है मुफ्ती साहब से आपके, हमने तो नॉर्मल बात की है, बदतमीजी तो वो कर रहा था। मुजरा वाला बात कौन बोल रहा था। हाँ तो मुजरा तो करते हैं जाहिल लोग ना। अरे आलिम है, आलिम है। अबे वो आलिम है जाहिल आदमी कहाँ का आलिम है। साला रेप तो कहाँ मालूम है, वो यूपी में होता है क्या, और कौशा मतलब तेल बनाता है। अरे भाई हमको लग रहा है होश में नहीं हो भाई, अपने मुंह पे पानी की छींटे मार लो और थोड़ा होश में आ जाओ, औजुबिल्लाह पढ़ लो, ठीक है खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और गुंडागर्दी करना छोड़ दो दीन के नाम से। अरे भाई तो तुम आ जाओ ना यार यूपी से, हम पैसा। अरे हम क्यों आएंगे भाई, तुम्हारे अब्बा जान के नौकर हैं क्या, हम क्यों आएंगे। जिस भाई जिसको हमसे काम है वो खुद आएगा ना। तुम ही लोग चलते ना योगी और मोदी, तुम ही लोग चलते बेटा ऐसी कर रहा है। तुम लोग सलाह अगर सही रहता ना तो किसी माँ का दूध नहीं पिया बेटा। तुम यूपी से बोल रहा है ना, जिस दिन कलकत्ता में घुस जाएगा अगर अपना माँ का दूध पिया होगा तो हमको फोन करके दिखाएगा, घर में घुस के मारेंगे साले। ये देखिए गुंडागर्दी, ये है मुफ्ती और इनके इनके चेले, ये लोग मतलब मारने की धमकी देते हैं, मारपीट की धमकी देते हैं। अरे बेटा तुमको अभी ये भी तुम्हारी ऑडियो अपलोड होगी जो तुमने धमकी दी है ना, घर में घुस के मारेंगे। हाँ तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया में कायदा कानून है, संविधान है, इतना अंधेर नहीं मचाया कि तुम घर में घुस के आके मार लोगे। तो तुम खुद बोला है नहीं, मतलब तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई मतलब घर में घुस के मार दोगे। हाँ, इसीलिए तो भाई नहीं, आप इतना बता दीजिए आलमी दिन से फोन के ऊपर कोई बात पूछना क्या ये मेरे को क्राइम है। आलमी दिन से फोन करके दीनी बात करना क्या ये कानूनी अपराध है। अगर भैया आलमी दिन से फोन पे बात करके दीनी बात करना अगर ये मतलब बहुत बड़ा भाई ये कांड है और गुनाह है, पाप है, क्राइम है, तो जाके मेरे नाम भैया कंप्लेन कराओ ना। अबे अच्छा हुआ कि कलकत्ता में नहीं है, नहीं तो रातों रात तेरे को। अरे हम कलकत्ता में, आप बताओ क्या कर लोगे, आप बताओ क्या कर लोगे। बोल हम तो, अबे बोल घर जाओ ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो तो बोल। अरे भाई तुम इतने बड़े माफिया हो, तुम कह रहे हो कि घर में घुस के मारेंगे तो जाओ जाके हमको ढूंढ लो। अबे तुम्हारे ऐसे कितने धमकी के फोन आते हैं, ठीक है दिन में 500 फोन आते हैं धमकी के, धमकी से हम नहीं डरते हैं। अहले हदीस हैं हम, ये अज्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा, हम सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला से हम डरते हैं, तुम्हारे ऐसे झोला छाप से हम नहीं डरते हैं। ये तो फोन पे तुमने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, अभी सामने होते तो एक हाथ पड़ता तो 20 दिन बाद तुम उठते और कहते कहा हूँ मैं, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं हम खर्दा में रहते हैं। आ गया भाई खर्दा में रहते, अपना माँ का दूध पिया है तो खाली बता दे। तुमने अगर अपने बाप का दूध पिया है ना तो यूपी इलाहाबाद में आ जाओ, ठीक है मेरा पूरा एड्रेस उतार लो,
यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद में फाफा मऊ में शांतिपुरम कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, हाउस नंबर D-88। अगर तुमने अपने बाप का दूध पिया है तो आके बेटा आमने सामने आके बात कर लो इल्म के मैदान में। तुम्हारे हनफी मसलक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आदमी के दूध आ जाए तो, मर्द के दूध आ जाए तो, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि अगर तुमने अपने बाप का दूध पिया है, माँ का तो दूध तुमने पिया नहीं होगा, तुम्हारे वहाँ औरतों के साथ साथ आदमियों के भी दूध आता है, तो अगर तुमने किसी आदमी का दूध पिया है ना तो आ जाना। और तुम्हारा वो मुफ्ती कैसे रजा जो अपने मतलब वो जो ये जो चेलों को नंबर बांट रहा है ना मेरा, जाके मुफ्ती कैसे रजा से समझा देना कि अपने चेलों को नंबर बांटना छोड़ दे और डायरेक्ट हमसे फोन पे बात करे ना इल्म के मैदान में। अरे भाई हमको कलकत्ता कब आएगा बोल ना भाई, हमसे सो वेटिंग कर रहे हैं भाई। अबे मैं आज ही आऊंगा, मैं क्या तेरे से बता के आऊंगा या तेरे से पूछ के आऊंगा? जब आएगा ना नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो मेरे प्यारे भाई आप बहुत बड़े कोई नेता हैं, मंत्री हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, सरगना हैं, आप हैं कौन जो आपसे बता के आऊंगा? नहीं आपसे पूछ के भाई, हम आपसे पूछ के पैदा हुए थे, जो आपसे पूछ के आएंगे कलकत्ता, मेरा जहाँ दिल करेगा वहाँ जाऊंगा और जहाँ जाऊंगा वहाँ अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात करूंगा। जिसको रोकना है जिसके दम वो आके रोक के दिखा दे। अरे हम 15 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। अरे तुम 15 को दिल्ली जाओ या मेरे भाई बम्बई जाओ, मेरे से क्या लेना देना भाई? मेरे से पूछ के पैदा हुए थे जो मेरे को बता के जा रहे हो? अजीब पागल आदमी हो। मुफ्ती कैसर रजा को फोन लगाओ और उससे कह दो कि इल्म के मैदान में बात करें। अबे तो आओ फोन पे कोई बात करता है। वो जो पीछे से बोल रहा है ना तुम्हारा मुफ्ती कैसे बेटा, बेचारी की हालत टाइट हो गई है, इसलिए जाहिलों को आगे कर रहा है फोन देके। अरे नहीं रे भाई नहीं रे, हेलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमाम ना हक पे है, आ जा। अरे तुम्हारे इमाम हक पे होते ना तो भाई इल्म की रोशनी में बात करते, प्यार मोहब्बत से, नबी के अखलाक के दायरे में, ठीक है? बस जबानी ना करते, गुंडई ना करते। अपना चेहरा दिखा दे भाई, अपना चेहरा दिखा दे भाई। कहे अपनी बहन की शादी करवा ली क्या? मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, चल तू मेरा चेहरा देख लेगा जा, लेकिन तू अपना चेहरा भेज दे। अभी तेरे मुफ्ती को फोन कर रहे हैं, लाइन पे ले रहे हैं, रुको होल्ड करो। अबे फोन ही नहीं उठा रहा तुम्हारा मुफ्ती कैसर रजा टीटी। अबे बेटा नमाज पढ़ने का टाइम होती है तो फलक जा ही ले। अबे तो जा तू भी नमाज पढ़ना, तू ही पढ़ता है, तेरे को माफ है क्या? हम तो जाएंगे अभी काम से, तो जा ना मेरे भाई, पहले से जा, वजू कर आराम से, अल्लाह सुबहान तआला से दुआ कर, मफरत मांग। ये क्या होता है मेरे भाई लोगों को फोन करके धमकाना, मेरे को क्या अंगूठा चूसने वाला बच्चा समझ रखा है जो मतलब तुम वो धमकी दोगे तो हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? अरे भाई तो अपना अकाउंट नंबर का पैसा भेज जा रहे हैं, जब सऊदी के रियाल पे जी सकता है तो कलकत्ता। अरे भाई इतना ही पैसा है, इतना ही दौलतमंद हो तो जाओ ना मेरे भाई, किसी जाके किसी मेरे भाई फकीर को दे दो, वो हो सकता है दुआ तुमको दे दे, ठीक है? हमें भाई हमें पैसा ना दो, जितना पैसा तुम दोगे उतना डेली मेरा खर्चा है पेट्रोल का, ठीक है? जाओ तुम मेरे भाई आराम करो, इल्म हासिल करो, ठीक है? हम लोग आपस में मेरे कोई लड़ते नहीं है, हम लोग उम्मत को जोड़ने का काम करते हैं। नहीं भाई तुम लोग ये तो बरेलियों का काम है, लोगों को मतलब धमकी देना, गुंडई करना और लोगों को वहाबी बोल के, वहाबी वहाबी बोल के माँ बहन की गालियाँ देना, ये सब काम भैया आप लोग का है। अरे तुमसे अच्छा ना भाई, मेरे अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बटो। तो हम तो दावत दे रहे हैं अल्लाह की रस्सी को थाम लो, लेकिन तुम लोगों की अल्लाह की रस्सी से तुमको नफरत है, तुम थामने ही नहीं चाहते हो अल्लाह की रस्सी। तुम लोग के पास 24 घंटा खाली मजार, फातिया, दुरूद, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कूंडे, बरसी, ग्यारहवीं, बारहवीं, ईद मिलाद और शबे बारात,
तुमको इन सब से फुर्सत मिले तो अल्लाह की रस्सी को थामोगे ना। तेरा बाप का पैसा से जाते हैं, तेरा बाप का पैसा से जाते हैं। अरे मेरे बाप का पैसा नहीं है तो क्या दीन के तुम्हारी अम्मा जान के मेरे भाई दहेज में लेके आई थी, जो दीन में नए नए काम इजाद कर दोगे? दीन इस्लाम को बदनाम करते हो, जाहिलो, खर्चा कर, कज़्ज़ाबो, मक्कारो, बिदती, मुशरिक, धमकीबाज, गाजीबाज, तुम्हारे जैसे चिंगी चोर पता है ना, वो खाली दीन का नाम मेरे पे बदनाम करते हैं। अब हम गाली दे तुमको, हम तो फिर की बिदत पढ़ा रहे थे तुमको हम गाली दे, हम लोग कल कतिया राजा बजरिया एकदम इतना गंदा गाली देंगे ना कि कान से खून निकलने लगेगा। दो दम हो तो दो, यूपी में नहीं जानता होगा, दो दो दम हो तो दो, हाँ दो गाली दो, ये लोग तो खाली एक ही गाली देता है ना, बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर, हम लोग इतना गाली देते हैं ना, इतना गाली देंगे ना देखो कितनी बेटा हमको। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से, हदीस का नंबर है 2459, जो गाली देता है वो होता है दोगला मुनाफिक। तो तुम लोग गालीबाज हो, तुम लोग मुनाफिक हो, तुम लोग का पीठ के पीछे छुरा भोग दो, तुम लोग से उम्मत को मेरे भाई बहुत बड़ा नुकसान है। तुम लोग वो आदमीन से साफ हो कि अपनी बिदत पे पर्दा डालने के लिए कहते हो कि हमारा पैसा है तुम्हारे बाप का क्या जा रहा। अरे भाई तुम्हारा पैसा है, तुम अपने घर में बैठ के मेरे ये बिदत मनाओ ना, ये साल तो साल, सालाना, उर्स, बरसी, ये सब क्या करते हो? दीन इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? सऊदी में, अरे सऊदी अरब से तेरे को इतनी नफरत क्यों है? सऊदी अरब से अगर इतनी नफरत है तो उस अरब की जमीन पे ही हमारे अल्लाह के नबी की अल्हम्दुलिल्लाह कब्र है, इसलिए हमें जो अरब है उससे मोहब्बत है। वहाँ पे हमारी उम्मत की माँ है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमें अपनी माँ से मोहब्बत है। वहाँ पे हमारे साहबा इकराम थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने साहबा से मोहब्बत है, हमें इसलिए अरब से मोहब्बत है। सऊदी 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 24 घंटा सऊदी, अरे सऊदी से तुमको इतनी नफरत है तो सऊदी में अपनी अम्मा बहनों को जहाज पे बैठा के उमरा करने हज करने काहे के लिए लेके जाते हो? इंडिया में कर लिया करो हज उमरा, तो अल्लाह का फरमान है ना। हाँ अल्लाह का फरमान है ना, तो नहीं तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि सऊदी अरब को गालियाँ दो? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया था कि किंग सलमान का इबादत करो, वो साला हराम खोर जीते करे, तुम भी लोग उसी तरह करो, साला उस शराब पिए डांस। जोर से बोला, आवाज साफ नहीं आ रही यार। अब आवाज नहीं आ रहा है? हमको लग रहा है तुम्हारी जो पावर है ना मेरे भैया एकदम खत्म हो गई है, जाके बैटरी अपनी चार्ज करो, जाओ किसी दरगाह बाजार पे जाओ, लोट लोट के नाचो, वहाँ पातिया पढ़ो और हलवा खाओ, मलीदा खाओ, खिचड़ा खाओ, चूंगा खाओ, मलीदा खाओ, उसके बाद ताकत बनाओ, उसके बाद फोन करना, ठीक है? अबे कलेजा फाड़ देंगे तेरा। अरे भाई सिर्फ हवाई बातें करोगे या कुछ मेरे भाई इल्मी बात करना है तुम्हें? अरे भाई तो तेरा ना भाई कलकत्ता में फेस टू फेस बात होगा। क्यों, तुम्हारे इमाम ने मना किया है कि फोन पे बात ना करना? फोन पे तो बोका लोग बात करता है। क्या चीज? फोन पे तो थोड़ा बोका लोग बात करता है। अब तो फोन तोड़ के फेंक दो ना, फिर फोन पे बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम ही कह रहे हो फोन पे बोकर लोग बात करते हैं तो फोन तोड़ के अपना फेंक दो। अच्छा तुम अपना फोटो भाई, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है ये? नहीं तो अपनी बहन की शादी भाई आपको करवानी है क्या मेरे से, जो मेरी फोटो मांग रहे हैं? देख अब बोला था गाली नहीं देता है, फिर रंडी का जाना तो खुद गाली। तो मैंने गाली कहाँ दी? आप ही तो इतनी देर से कह रहे हैं फोटो दो फोटो दो। भैया मेरी शादी हो चुकी है, मुझे आपकी बहन से शादी करने में कोई बीबी को देंगे रंडी का बच्चा। अस्तगफुरुल्लाह, जितनी गाली देना दे दो, अभी तुम्हारी गाली तुम्हारे नंबर के साथ अपलोड होगी। कर दे रंडी का बच्चा कर, और गाली दे अगर चोट के बच्चा, और गाली दे। ये थे मुफ्ती कैसर रजा के चेले, ये कलकत्ता के हैं, ये बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। इन्होंने अपनी मस्जिद में अहले हदीसों को उल्टा सीधा बोला और उनकी शान में तौहीन की और खूब उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। और जब हमने मुफ्ती जो कैसर साहब हैं, मैंने उनको फोन किया तो बेचारे वो उन्होंने मतलब गुंडे ही करना स्टार्ट कर दी और मैंने उनकी ऑडियो अपलोड कर दिया, उनकी हकीकत आवाम के सामने आ गई। तो अब वो जो मेरा नंबर है वो अपने चेलों को बांट रहे हैं और इनके चेले फोन करके गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो सामान ये देख लीजिए, ये होते हैं बरेलवी, जब इल्म से हार जाते हैं तो माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मैंने आज से 7 साल पहले बरेलवियत को लात मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
वरना आज भी अगर मैं बरेलवी होता तो मैं शिर्क बिदत कर रहा होता और अहले सुन्नत को गालियां दे रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो मैंने इन बरेलवियों का साथ छोड़ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबो सुन्नत पे आ गया हूँ, सहाबा के मनहज पे आ गया हूँ, जिनको ये लोग इल्जाम में कहते हैं कि वहाबी हो गया। अरे वहाबी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं।